बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ मैं करती हूँ जी अपनी वीडियो स्टार्ट। और आज हम बना रहे हैं आई बैग रेसिपी की तरह की ही एक रेसिपी है, तो उसको बना रहे हैं। तो ये मेरी इधर सऊदी अरबिया में एक फ्रेंड बनी है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उन्होंने अपनी मम्मा वाली जो रेसिपी थी वो हमारे साथ शेयर की। तो खैर जी, मैंने कहा चलें साथ में चिकन की जो थी वो भी हम शेयर कर लें कि चिकन कैसे कटिंग होता है। तो शुरू से फिर सारी वीडियो बना ली थी और सारा शेयर किया आपके साथ। खैर, ये कंप्लीट अलबैग की रेसिपी तो नहीं है, मैं अलबैग की रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, लेकिन ये इन्होंने एक अपने स्टाइल में बनाया था। खैर, ये भी बहुत मज़े का, बहुत लजीज बना था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया था और बड़ा अच्छा लगा था खा के इसे। और फिर बस इन्होंने क्या किया जी, एक बाउल लिया और उसमें प्याज, लहसुन, उसका सॉरी नमक और चीनी और तेज़पात के इस तरह से डाल के नलीज, तो बाद में इसमें चिकन डाल दिया था। और चिकन डाल के आधा घंटा इन्होंने रख दिया था रूम टेम्परेचर पर, तो बाद में चिकन को बाहर निकाल के तो उसको ड्राई कर लिया था। तो ड्राई करने के बाद फिर इन्होंने दूसरी साइड पर जो मैदा था उसको लिया और मैदे में इन्होंने बड़े सिंपल से स्पाइसेस डाले थे। तो मैदे में इन्होंने बड़े सिंपल से स्पाइसेस डाले थे, जिसमें इन्होंने मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला और उसमें इन्होंने डाल दिया था नमक सुरख मिर्च डाल के। तो फिर उन्होंने जिंजर गार्लिक जो पाउडर था वो डाल दिया था। तो बस फिर इसको मिक्स किया था उन्होंने अच्छे से। मिक्स करने के बाद इन्होंने जो आधा जो इसमें से था मैदा, वो उन्होंने आधा मैदा जो था इन्होंने दूसरी साइड पे दूसरे बाउल में निकाल लिया था और आधा जो था वो इसी बाउल में रहने दिया था। तो जो दूसरे बाउल में उन्होंने आधा मैदा निकाला था उसके अंदर इन्होंने अंडे और ऑयल डाल के उसका एक अच्छा सा बड़ा थिक सा बड़ा अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। उसमें फिर चिकन को उन्होंने डिप करना है और उसमें, और फिर जो ड्राई मैदा रखा हुआ था उसमें इन्होंने वो मैदे को अच्छे से उसके ऊपर लगाना है, खुश्क मैदा लगाना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आपने पानी भी डाल देना है, तो क्योंकि ऑयल थोड़ा डालना पड़ता है और पानी ज़्यादा ज़्यादा लगता है हमारा। इस तरह से इन्होंने मैदे को चिकन को लिया और चिकन को इसमें डिप किया, डिप करके और दूसरे जो खुश्क मैदा था उसमें अच्छे से इसको इस तरह से मैदा भर भर के लगाया इसके ऊपर। ये देखें कितना अच्छा इन्होंने उसको मैदे को लगा लिया था। इसी तरह से इन्होंने सारे चिकन के ऊपर मैदे को लगा के फिर हल्की सी आंच पे इसको फ्राई किया था और ये बहुत मज़े का, बहुत लजीज बना था। ये देखिए इसके कितना प्यारा, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था ना, मैदा सारा अच्छे से ऊपर लग गया था। बस जी, इसकी जो कोटिंग है वो एक बार ही करनी है, एक बार उसमें जो हमने मैदा गीला के किया हुआ था, मतलब कि जिसमें हमने अंडे और पानी और ऑयल डाल के जिसको हमने एक पेस्ट बनाया था उसमें हमने एक बार डालना है, डिप करना है। फिर दूसरी बार हमने ड्राई जो मैदा था उसमें डाल के इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा लेना है और एक बस उसका दोबारा फिर उसको हमने गीले वाला जो मैदा था उसमें नहीं डाला, फिर इस तरह से हल्की सी आँच पर हमें फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसको फ्राई करते हुए भी तकरीबन 10 मिनट लगे थे क्योंकि हमने बहुत हल्की आँच पर और बहुत ही क्या कहते हैं ना, हौसले के साथ, सब्र के साथ हमने इसको फ्राई किया था। तो ये बहुत अच्छा फ्राई हो गया था, बहुत ही प्यारा इसका कलर आया था और बहुत अच्छा गल गया था, ये सारा चिकन अंदर तक गला हुआ था। बस जी, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें और लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी और कैसी लगी, और आपको कमेंट्स में भी बताएं कि आपको मैं क्या बनाना सिखाऊं। और अल्लाह पाक हम सबको दोनों जहाँ की तमाम खुशियाँ अता करें, अल्लाह पाक हम सबको हम सब पर अपना घर अपना फजल अता करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। और
मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।